बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, उम्मीद करते हैं कि तमाम व्यूवर्स खैरियत वाफियत से होंगे जी। आज मैं आपके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स की नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की शेयर करूंगा कि कैसे हमने इसके अंदर अप्लाई करना है और इसके अंदर कौन कौन सी सीट्स हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है और जगह कौन सी है, किस जगह पर किस शहर के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हुई है और इसकी सारा का सारा अप्लाई करने का तरीका आज हम इसकी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जी। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ये आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट PP यानी पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की जानिब से जो लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हुई है। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 13 एजुकेशन इसकी MBBS से लेकर यानी बैचलर डिग्री तक के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि ये 17 है इसकी लास्ट डेट और ये इसकी जो पोजिशन होगी जॉब्स की वो है लाहौर के अंदर। ये इससे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखेंगे के नेम ऑफ पोस्ट लीगल एक्सपर्ट जो इसकी क्वालिफिकेशन LLB और इसकी नंबर और सीट्स हैं। और एक है फाइनेंस एक्सपर्ट, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी वो मास्टर और इसके नंबर ऑफ सीट्स भी एक हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन MBBS है और इसकी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी एक हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, इसकी क्वालिफिकेशन मास्टर है। और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट्स, उसके लिए ग्रेजुएशन और इसकी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो एक है। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इसकी BEBS है और इसकी नंबर ऑफ सीट्स भी एक ही है। और उसके बाद मैनेजर सिस्टम एंड नेटवर्क, इसके लिए क्वालिफिकेशन BE and BS इन्होंने रिक्वायर किया और इसकी नंबर ऑफ सीट्स वो भी एक ही है। और डेटा एनालिस्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसकी BS और इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो उससे ज़्यादा हैं यानी 3 हैं। और उसके बाद सिस्टम मैनेजर एडमिन एंड अकाउंटेंट, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की वो मास्टर है, उसके नंबर ऑफ सीट्स जो एक है। और कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी, उसके लिए क्वालिफिकेशन वो बैचलर है और इसकी नंबर ऑफ सीट्स वो भी एक है जी। आज हम ये स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब इन PPPA यानी पंजाब पब्लिक प्राइवेट के अंदर हमने किस तरीके से अप्लाई करना है, ये इन्होंने सारा का सारा तरीका बताया हुआ। ये हम रीड आउट कर लें, आप भी रीड आउट कर लें, कुछ मैं आपको बेसिक बता भी देता हूँ। सबसे पहले आपने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iba.edu.pk इस पर आपने विजिट करना है, इसको सर्च कर लेना है। उसके बाद नंबर 2 पे है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड इन सबमिशन एप्लीकेशन ऑनलाइन। और ये जो सारी की सारी आपने एप्लीकेशन भेजनी है वो आपने कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन तरीके के साथ यहाँ पर एप्लीकेशन भेजनी है। और उसके बाद सबमिशन इज़ हार्ड कॉपी नॉट बी एंट्रीड यानी सबमिशन के लिए आपने कोई भी मैनुअल कॉपी यानी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करवानी बल्कि आपने ऑनलाइन तरीके के साथ अप्लाई करना है। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट भी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है 17 अगस्त है ये जी। ये आप इनका ऑफिशियल फॉर्म देख सकते हैं, ये हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट जी। ये देख प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इसकी एज लिमिट जो है वो 55 साल है। और उसके बाद मैनेजर सिस्टम, इसकी एज लिमिट 50 साल है। और डेटा एनालिस्ट, इसकी एज लिमिट 35 साल है। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, इसकी भी 35 साल है। और असिस्टेंट मैनेजर एडमिन एंड अकाउंटेंट, उसकी 40 साल है। उसकी कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी, इसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 40 साल की होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेशन, द सिलेक्ट कैंडिडेट ऑफरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर द 24 मंथ एक्साइडिंग ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी क्लेम्ड एट एनी पॉइंट यानी कि ये 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब्स होंगी और इसकी ये अथेंटिक होती हैं और इसकी जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत हद तक एक्सेप्टेबल होती हैं और बड़ी फ़ायदेमंद भी होती हैं जी। आज की ये हमारी ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होती है। और उम्मीद अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ये हमारी जॉब्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे जी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।